आईफोन क्या है, इसके बारे में मुझे आपको बताने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये तो आप सभी को पता है कि आईफोन एक बेहतरीन क्वालिटी का स्मार्टफोन है। विश्व भर में आईफोन की लोकप्रियता और ज्यादा कीमत के कारण अधिकतर लोग इसे पसंद करते हैं, और आज आईफोन ने स्मार्टफोन की दुनिया में अपनी एक खास पहचान बनाई है। आईफोन क्या है, इसके बारे में तो आप जरूर जानते हैं, लेकिन क्या आपको इसके खासियत और फायदे के बारे में पता है, जिसकी वजह से यह आईफोन इतना महंगा होने के बावजूद भी लोग इसे किसी भी हालत में खरीदना चाहते हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको आईफोन से जुड़ी सभी जानकारी देने वाला हूँ, जिसे जानने के बाद आप आईफोन के दीवाने हो जाएंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि आईफोन क्या है। आईफोन एप्पल कंपनी के द्वारा बनाया गया स्मार्टफोन है, जिसे कंप्यूटर, आईपॉड और डिजिटल कैमरा और तो और सेलुलर फोन की सारी खूबी को एक साथ जोड़कर बनाया गया है। आईफोन iOS ऑपरेटिंग सिस्टम पर काम करता है, जो दूसरे मोबाइल फोन के ऑपरेटिंग सिस्टम से बिल्कुल अलग है। एप्पल कंपनी के मालिक स्टीव जॉब्स ने अपना पहला आईफोन जनवरी 2007 को सैन फ्रांसिस्को में रिलीज किया था। आईफोन को लॉन्च कर एप्पल कंपनी ने स्मार्टफोन की दुनिया में तहलका मचा कर रख दिया था। ये पहला ऐसा फोन था जिसमें टच स्क्रीन इंटरफेस की शुरुआत की गई थी, जो अपने आप में एक अजूबा था। उस वक्त स्टीव जॉब्स का मानना था कि ये आईफोन अपने वक्त से 5 साल आगे है, यानी कि इसके फीचर्स बाकी के स्मार्टफोन के तुलना में काफी एडवांस थे। इसके बाद से ही मोबाइल में टच स्क्रीन का आइडिया मार्केट में सबसे ज्यादा लोकप्रिय हो गया। एप्पल ने अपने पहले आईफोन के रिलीज करने के शुरुआती 5 महीनों में लगभग 13 मिलियन फोन मार्केट में बेचे थे। इसकी संख्या बढ़कर 2010 में 70 मिलियन तक पहुंच गई, जिसका कि स्मार्टफोन की दुनिया में एक रिकॉर्ड बन गया था। फिर साल 2011 में एप्पल ने ये घोषणा की कि उन्होंने करीब 100 मिलियन आईफोन की सेलिंग कर ली है। आईफोन की ऐप स्टोर में 3.2 मिलियन ऐप अवेलेबल हैं, जिसमें कि कुछ फ्री और कुछ पेड ऐप्स हैं। और तो और, एप्पल के ऐप को दुनिया में सबसे ज्यादा डाउनलोड किया जाता है। आईफोन एक स्मार्टफोन है, लेकिन इसको कंप्यूटर के रूप में भी इस्तेमाल किया जा सकता है, क्योंकि कंप्यूटर के सारे फीचर्स को जोड़कर इस फोन को बनाया गया है। इस फोन में इंटरनेट सबसे तेज प्रवेश करता है, जिसकी मदद से आप इंटरनेट पर होने वाले सभी काम तेजी से कर पाएंगे। आईफोन की सबसे बड़ी खासियत ये है कि इस फोन को कोई भी हैक नहीं कर सकता। एंड्रॉइड फोन और विंडोज फोन के मुकाबले आईफोन ज्यादा सिक्योर है, क्योंकि एप्पल के सभी डिवाइसेस में सिक्योरिटी पर खास ख्याल दिया जाता है। इसका सीधा कारण ये है कि एप्पल के आईफोन डिवाइसेस में किसी भी ऐप को अपने आप रन करने की अनुमति नहीं देता है, इससे वायरस का डिवाइस में आना नामुमकिन सा हो जाता है और आपके सारे डेटा सुरक्षित रहते हैं। एप्पल नियमित रूप से अपने आईफोन मॉडल्स रिलीज करता रहता है, और हर मॉडल के साथ आपको नए फीचर्स, नए डिजाइन और नए लुक्स देखने को मिलेंगे। अभी तक आईफोन के करीब 22 मॉडल मार्केट में आ चुके हैं, और हर मॉडल के रकम की शुरुआत 40,000 या 50,000 से होती है। एक नए मॉडल के लॉन्च के बाद ही पुराने मॉडल के प्राइस को कम किया जाता है। अब तक के आईफोन के मॉडल्स के नाम हैं आईफोन 2G, आईफोन 3G, आईफोन 3GS, आईफोन 4, आईफोन 4S, आईफोन 5, आईफोन 5C, आईफोन 5S, आईफोन 6, आईफोन 6 प्लस, आईफोन 6S, आईफोन 6S प्लस, आईफोन SE, iPhone 7, iPhone 7 Plus, iPhone 8, iPhone 8 Plus, iPhone X, iPhone XR, iPhone XS, iPhone XS Max, iPhone 11, iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max और iPhone SE। और दोस्तों, अब जानेंगे कि iPhone की क्या खासियत है और इसके क्या फायदे हैं। तो इसका पहला फायदा है, एप्पल एक ऐसे अकेली कंपनी है जो आईफोन बनाती है, और उसके साथ इस डिवाइस पर चलने वाले हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को भी खुद ही डिजाइन करती है। इसकी वजह से आईफोन के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर पर उसका पूरा कंट्रोल रहता है। यही कारण है कि आईफोन की क्वालिटी, बनावट तथा हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की क्षमता काफी अच्छी होती है। दूसरा फायदा, दूसरी डिवाइसेस में आपको ओवरहीटिंग और हैंगिंग की समस्या आसानी से देखने को मिल जाती होगी, लेकिन आईफोन में ये समस्या बहुत ही कम होती है। आईफोन ज्यादा स्मूथ होते हैं और बहुत ही कम हैंग होते हैं। इसके हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को इस तरह से तैयार किया जाता है कि वो एक साथ मिलकर बेहतर परफॉर्मेंस दे सके। तीसरा फायदा, आईफोन में बहुत ही बेहतर CPU और GPU होता है, जिससे इसकी परफॉर्मेंस और ऑप्टिमाइजेशन बढ़ जाती है। CPU और GPU बढ़िया होने के वजह से इसमें एप्स और गेम्स भी बहुत स्मूथ चलते हैं। चौथा फायदा,
आईफोन iOS ऑपरेटिंग सिस्टम पर रन करता है जो दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम से बेहतर होता है। आईफोन हर साल अपने ऑपरेटिंग सिस्टम में नए नए फीचर्स देकर उसको अपडेट करता रहता है। जब भी एप्पल कंपनी आईफोन के नए वर्जन को लॉन्च करती है उसी दिन एप्पल के आईफोन के डिवाइसेस में सॉफ्टवेयर के अपडेट पहुंच जाते हैं, चाहे वो मॉडल नया हो या पुराना। सभी फोन में नए वर्जन का ऑपरेटिंग सिस्टम काम करने लग जाता है। पांचवा फायदा, एप्पल के सभी डिवाइसेस बहुत मजबूत होते हैं और उनकी कार्य क्षमता बहुत जबरदस्त होती है। आईफोन का iOS ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत ही ज्यादा मजबूत होता है जिसमें इसकी खामियां और दुर्घटनाएं बहुत कम देखने को मिलती है। छठा फायदा, आईफोन की बैटरी लाइफ सबसे बेहतर होती है। आईफोन के पुराने मॉडल से उसमें बैटरी को रोज चार्ज करना जरूरी होता था, अब वाले आईफोन की बैटरी की क्षमता कई गुना बढ़ा दी गई है जिसे बिना चार्ज के 2 से 3 दिन तक चलाया जा सकता है। सातवां फायदा, आईफोन को एप्पल के बनाए गए दूसरे डिवाइसेस जैसे मैक, आईपैड, आईपॉड से भी बहुत आसानी से जोड़ा जा सकता है। अगर आईफोन और मैकबुक ऑपरेटिंग सिस्टम के लास्ट वर्जन पर रन कर रही है तो आप जो काम अपने आईफोन पर घर में कर रहे हैं वो आप अपने ऑफिस के मैक कंप्यूटर पर आसानी से प्राप्त कर प्रयोग में ला सकते हैं। आठवां फायदा, आईफोन की कैमरा क्वालिटी सबसे बेस्ट है। इस फोन के द्वारा ली गई पिक्चर की क्वालिटी DSLR कैमरे से ली गई पिक्चर्स क्वालिटी के बराबर है। बेहतरीन कैमरा क्वालिटी होने की वजह से ही आईफोन इतना महंगा होता है, क्योंकि एप्पल कंपनी अपने फीचर्स के बजाय अपने क्वालिटी पर अधिक ध्यान देता है। नौवां फायदा, आईफोन का यूज इंटरफेस बहुत ही अच्छा होता है और सिंपल भी होता है, जिसे इस्तेमाल करना बहुत ही आसान है। लेकिन हम अपने अनुसार आईफोन को कस्टमाइज नहीं कर सकते जैसा कि हम दूसरे फोन में कर सकते हैं। दसवां फायदा, आईफोन की कस्टमर सर्विस भी बहुत अच्छी है। हम जब भी कोई नया फोन लेते हैं तो शुरू शुरू में वो काफी स्मूथ और अच्छा चलता है, लेकिन समय के साथ फोन के कार्य करने की गति में कमी आने लगती है। जैसे जैसे फोन पुराना होने लगता है उसमें काफी सारे दिक्कतें आना शुरू हो जाते हैं। फोन को रिपेयर कराने के लिए हम कस्टमर सर्विस सेंटर के चक्कर काटते रहते हैं, लेकिन कोई समाधान नहीं मिल पाता है। अगर आईफोन के साथ ऐसी कोई स्थिति बनती है तो एप्पल के ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको ऐसे बहुत सारे आर्टिकल मिल जाएंगे जिनमें आपको अपने आईफोन में होने वाले दिक्कतों का समाधान मिल सकता है। और अगर आपको वहां से फिर भी ना मिल पाए तो कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव से आप बात करके अपना फोन रिपेयर भी करवा सकते हैं। इसकी एक और अच्छी बात है कि अगर आपका फोन रिपेयर नहीं हो पाता है तो एप्पल कंपनी आपको उस फोन के बदले एक नया फोन दे देती है, जो कि दूसरे मोबाइल प्लेटफॉर्म पर ये सुविधा बिल्कुल भी नहीं है। तो दोस्तों, आशा है कि आपको इस वीडियो से आईफोन क्या है और इसके फायदे से जुड़ी सारी जानकारियां मिल गई होंगी। मेरी हमेशा से यही कोशिश रहती है कि हमारे वीडियोस के जरिए आपको दिए गए विषय पर पूरी जानकारी मिल सके, ताकि आपको कहीं और जाना ना पड़े। इस वीडियो से जुड़ी कोई भी परेशानी हो तो आप हमें नीचे कमेंट करके जरूर बता सकते हैं, ताकि हम आपके परेशानी को जल्द से जल्द दूर कर सके। और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों तक भी शेयर करें, ताकि बाकी लोगों तक भी हमारी ये जानकारी पहुंच सके। और हाँ, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, और हमारे वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में इसी तरह के कुछ लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव ए गुड डे।